मुरैना के बानवोड़ क्षेत्र में संक नदी पर आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा गुरुवार को बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉक ड्रिल की गई। इसके तहत संक नदी में आए उफान में सवारियों से भरी नाव पलट गई। नाव पलटते ही 25 लोग पानी में डूबने लगे। ये देख आपदा प्रबंधन की टीम नदी में उतरी और सभी 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। गौरतलब है कि हर साल बारिश में जिले की चंबल, क्वारी, आसान, साक आदि नदियों में उफान आता है। नदियों की बाढ़ में कई बार पूरे गाँव घिर जाते हैं तो कई बार पानी में फंसे लोगों के डूबने जैसे हादसे भी होते हैं। बाढ़ की परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत गुरुवार को अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव की अगुवाई में बानवोड़ क्षेत्र के पमाया रोड पर बह रही सांक नदी पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके तहत एक नाव में 25 यात्रियों के डमी बिठाए गए। नदी के बीच में जाकर जैसे ही नाव पलटती है तो तत्काल कंट्रोल रूम पर सूचना पहुंचती है और कुछ ही देर में मोटर बोट के साथ SDRF के 40 सदस्यों की टीम नदी में उतर जाती है और नदी में फंसे सभी 25 लोगों को बाहर निकालने के बाद राहत कैंप में शिफ्ट किया गया। इस दौरान पानी में डूबे लोगों को किस तरह प्राथमिक उपचार दिया जाए जिससे उनकी जान बचाई जा सके, ये मौके पर मौजूद ग्रामीणों को भी बताया गया। इस दौरान नदी किनारे व पुल पर ग्रामीणों की भीड़ रही। मॉक ड्रिल के दौरान डिप्टी कलेक्टर LK पांडे, SDM मुरैना भूपेंद्र कुशवाहा, SDM जोरा अरविंद माहौर, SDM सबलगढ़ मेघा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर वंदना जैन, SDOP बामोर दीपाली चंदेरिया, कमांडेंट होमगार्ड शिवराज सिंह चौहान, बानवोड़ नगर परिषद CMO शिया शरण यादव आदि मौजूद थे। इसके बाद से NDRF की एक टीम आई थी मॉक ड्रिल के लिए और प्रशिक्षण के संबंध में, तो आज बामोर में सांक नदी में इसका बहुत अच्छे से प्रदर्शन हुआ, ट्रेनिंग हुई है और उनके द्वारा कैसे कैसे रेस्क्यू किया जाता है, कैसे किसी हानि को मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे तत्काल सहायता प्रदान की जा सकती है, इसको लेके पूरे जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सबके साथ पूरे हमारे इसमें SDM उपस्थित हुए, जिले भर के अधिकारी रहे और बहुत अच्छे से एक प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न हुआ। सर, इस दौरान एक नाव भी पलटी, किस तरीके से? ये रेस्क्यू और इसका पार्ट था कि पूरी नाव पलटी है और किस तरह उन्होंने उसको फिर से सीधा किया और रेस्क्यू कार्य को फिर से प्रारंभ किया। न केवल इस तरह का उन्होंने ट्रेनिंग दी बल्कि कई बार हृदयाघात या किसी तरह की कोई स्थिति बनती है तो किस तरह CPR और वो श्वास लेने में जो परेशानी आती है उसके संबंध में ही पूरे जिला अधिकारियों और पुलिस को प्रशिक्षित किया। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।